पंचकुला के बरवाला में भूपेश राणा की गोलियों से भूनकर हत्या करने के मामले में गैंगस्टर भूपी राणा सहित अन्य सभी आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील अभिषेक राणा ने बताया कि आज कोर्ट ट्रेल के लिए सभी आरोपियों को पेश किया गया था और अगली सुनवाई अक्टूबर महीने में होगी और अगली सुनवाई में गवाहियां शुरू की जाएंगी। इस मामले में आज सुखप्रीत बुढ़ा को पंजाब की जेल से और भूपी राणा व गौरव रोड़ा को हरियाणा की कुरुक्षेत्र जेल से भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। किसी मामले में पेश किया गया था, क्या था ये मामला? आज जी ये जो मामला लगा हुआ था इसमें एक मर्डर केस था जो बरवाला में हुआ था, तो उसमें एक लड़के का मर्डर हुआ था उसके अंदर आज ये ट्रायल लगा हुआ था, तो इसमें आगे फर्दर कार्रवाई हुई। तो कौन कौन आरोपी हैं इसमें जिनको पेश किया गया? इसमें भूपी राणा, गौरव रोडा और सुखप्रीत और एक और राजकुमार राम कुमार, ये इसमें अक्यूज है। तो आज की कार्रवाई क्या रही कोर्ट में? आज की इसमें आज चार्ज फ्रेम होना था एक्यूज के ऊपर जो बाद में अरेस्ट हुआ था, तो वो हुआ है, तो आगे फर्दर डेट लगी है। सर वो कितनी कोर्ट से लेके हैं, किसी जेल से लेके? ये मैं नहीं बता सकता, अलग अलग डिफरेंट जेल में हैं, तो ये पेश करें तो आज पेश जो कार्रवाई है कब होनी है, क्या होगा? नेक्स्ट अक्टूबर में डेट पड़ी है इसकी, तो आगे फर्दर एविडेंस के लिए केस लगेगा।